चलिए अब इसके बाद ये अब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेफ्रॉन का क्योंकि अब मैंने आपको किडनी की एनाटॉमी बता दी एनाटॉमी बताने के साथ साथ मैंने आपको एक छोटी सी पोजीशन बता दी थी कि नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा तो इसका हेड आप समझ रहे थे कि कॉर्टेक्स में था इसीलिए मैंने पूरा रीजन ये देखिए यहां पे जो शो किया है आउटर मोस्ट ये आपका कॉर्टेक्स होगा और नीचे जो आपको कुछ लूप दिख रहा है कुछ आपको नेटवर्क सा दिख रहा है इनका क्या नाम है आगे चल के मैं बताऊंगी तो ये पूरा का पूरा आपका मेड्यूला में प्रेजेंट होगा चलिए भाई ई फ्रेंट एफ्रेंट में मैंने आपसे डेफिनेशन मैंने पेरी टिब्यूलर कैपेलरी और आपकी इंट और एफ्रेंट आर्टिस् में फर्क के बारे में पूछा है एनीवेज जो भी बात है मैंने वो क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पुटअप करा ये बताने के लिए कि जब कई बार आप लोग बहुत ज्यादा आगे आगे बोलते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे चीजें आप पे आ रही है कुछ स्टूडेंट है, है भाई बोलते हैं अच्छी बात है बोलना जरूरी है लेकिन जब आप हमेशा आगे आगे चीजें बताते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे ये चीजें बेसिक है और आपको समझ में आ रही है तो मैं जल्दी बता के निकल जाती हूँ लेकिन आप चार पांच लोगों के अलावा और भी अगर बच्चे हैं प्लेटफॉर्म पे हो सकता है वो पहली बार पढ़ रहे हो क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे कॉलेजेस सब लोग बहुत अच्छे स्कूल से आके बैठे हो ये जरूरी नहीं है हो सकता है उन्होंने पहली बार इतना डेप्थ में पढ़ा हो स्ट्रक्चर पहले देख लिया फंक्शन पहले देख लिया एग्री विद दैट लेकिन हो सकता है कि वो ये चीज है पहली बार पढ़ रहे हो तो भाई उनको तो पढ़ने दीजिए कम से कम अगर आप लोग आगे आगे ऐसे बोलोगे तो मुझे लगेगा कि शायद चीजें आ रही हैं मैं ओवर व्यू बता के निकल जाऊंगी लेकिन उस अगर एक भी स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे ऐसा है जिससे ये चीज नहीं समझ में आई तो मेरी इतनी मेहनत करना तीन घंटे आपको पढ़ाना सारी बेकार है क्योंकि बीइंग अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जितनों को पढ़ा रही हूँ वो सारी चीजें एटलीस्ट जो मैं पढ़ा के गई हूँ वो उनको समझ में आए तो भाई थोड़ा सा कॉपरेट आप लोग भी करिए और मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए चलिए तो अब ये आपका होमवर्क है इसी बहाने थोड़ा सा आपको समझ में आएगा मुझे कल आप इसका डिफरेंस प्रॉपर बताएंगे कि ईफ्रेंट एफरेंट, आर्टियोल और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में क्या फर्क होता है और अगर ये सिमिलर है तो इनका अलग नाम नहीं होना चाहिए था तो ऑब्वियस सी बात है इनमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस होता है क्या होता है जरा बताइएगा और अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में ठीक तो नेफ्रॉन क्या है आपका एक फंक्शनल यूनिट है अब फंक्शनल यूनिट है तो इसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी होता है क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं जो हम पढ़ते हैं किडनी फिल्टरेशन के बारे में ये किडनी जो है वो फिल्टर करती है तो भाई किडनी फिल्टर नहीं करती किडनी में प्रेजेंट होने वाला जो नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन में भी प्रेजेंट होने वाला जो ये वाला एरिया है जो ये कैप्सूलर एरिया है केवल ये ऐसा एक एरिया है जहां पर फिल्ट्रेशन का पूरा काम चल रहा होता है तो चूंकि अब हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ रहे हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किडनी फिल्ट्रेशन नहीं करती किडनी के और भी काम है किडनी में प्रेजेंट होने वाली जो उसकी फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन में भी प्रेजेंट होने वाला जो इसका एरिया है दैट इज कैप्सूलर एरिया ये पूरा का पूरा फिल्टरेशन का काम करता है आगे जो आपको ये ट्यूब दिख रहे होंगे ये ट्यूब का काम कोई दूसरा है क्या काम है वो आगे चल के आपको पता चलेगा तो नेफ्रॉन जैसा मैंने आपको बताया एक तो कॉर्टेक्स होगा दूसरा मेड्यूलर रीजन में होगा तो ये पूरा का पूरा आपका कॉर्टेक्स एरिया में है और ये नीचे की तरफ जो है दैट इज मेड्यूलरी एरिया में होगा अब ये देखिए सबसे पहले दिखा गया है एफरेंट आर्टिंग तो एफरेंट आर्टियोल मतलब ये क्या होना चाहिए भाई फिर तो ये आर्टरी होनी चाहिए बिल्कुल ये आर्टरीज है तो ये आर्टरी है आपकी जो आगे चल के छोटी ब्रांचेस बनाई और इसी छोटी ब्रांच को कह दिया गया आर्टियोलो कौन सा ईफ्रेंट ईफ्रेंट मतलब कि ये पूरे के पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है कहाँ पे बोमन कैप्सूल में जिसे ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहा जाता है तो ये कैप्सूल है आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल और यहीं से अटैच होता है आपका एफरेन्ट आर्टरीज या एफ्रेंट आर्टियोल और ये वाला जो आपका निकलता हुआ एरिया है इसको कहा जाएगा इंट आर्टिंग ई फ्रेंट अब इसको आप याद कैसे करोगे तो अल्फाबेटिकली याद रखिए अगर हम एफरेंट की बात करें तो अल्फाबेटिकली ए पहले आता है तो ए पहले आएगा तो मतलब ये ही पहले आपकी ग्लोमेरुलस कैप्सूल में जाना है तो एफरेंट मतलब कि जो जाएगा और ईफरेंट ए के बाद आया है तो मतलब जो लेके बाहर की तरफ जाएगा तो सबसे पहले एंट्री होनी है एफरेंट की मतलब लेके जाएगा को ले आया है, ले इसको बाहर चला जाएगा ग्लोमेरुलर कैप्सूल के बारे में मैंने आपको बता दिया आगे चल के ये जो आपका कैप्सूल है यहां से आपको ये पूरा का पूरा घुमाबदार ट्यूब दिख रहा होगा ये जो आपका ट्यूब है ये ट्यूब आगे चल के बनाता है कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल कॉन्व्यूलेटेड मतलब कि जो पूरा का पूरा फोल्डेड है दैट इज कॉन्व्युलेशन और टिब्यूल है तो टिब्यूल होगा और डिस्टिल मतलब दूर की तरफ तो डिस्टिल मतलब दूर की तरफ ये ग्लो मेरुलर कैप्सूल से काफी दूर की तरफ है फोल्डेड है तो इसका नाम पड़ा डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल इसके बाद आता है एक प्रोक्िमल कॉन्ब्यूलेटेड ट्रिब्यूल प्रोक्सिमल जो कि पास में होता है तो किसके पास में होगा ऑब्वियस सी बात है नेफ्रॉन के के सिर के पास में होगा तो नेफ्रॉन का सिर कौन सा होता है दैट इज कैप्सूल तो जो कैप्सूल के पास में है तो है कॉन्व्युलेटेड ट्रिब्यूल ही लेकिन नाम पड़ गया प्रोगल ट्रिब्यूल इसके बाद ये पूरा का पूरा आपको यहां पे कैपिलरी का नेटवर्क दिख रहा होगा ये जो नेटवर्क है और ये कैपिलरी आपकी पेरी टिब्यूलर कैपिलरी है भाई तो ये पेरी टिब्यूलर कैपिलरी का पूरा का पूरा नेटवर्क है जो आगे चल के आपकी वेन्यूल से अटैच हो जाएगा तो ये आपकी कैपिलरी है और कैपिलरी में भी कौन सी पेरी टिब्यूलर कैपिलरी अब ये जो आपके कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल है आगे चल के एक मेजर स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये स्ट्रक्चर जिसकी बिद ज्यादा होती है तो ये डक्ट बना लेते हैं क्योंकि टिब्यूल में डक्ट में कैविटी में फर्क होता है टिब्यूल मतलब पाइपलाइक स्ट्रक्चर -like है लेकिन जब हम डक्ट की बात करते हैं तो डक्ट मतलब कि एक चौड़ाई या फिर बिद में जो ज्यादा स्ट्रक्चर होता है जो एकदम प्रॉपर राउंडेड फोल्डेड पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वो आपका डक्ट बनाता है तो ये डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल आगे चल के थोड़ा सा और मेजर हो जाता है और इसको कहा जाएगा कलेक्टिंग डक्ट और यही कलेक्टिंग डक्ट आगे चल के पेपिलरी डक्ट बनाएगी और पेपिलरी डक्ट से फिर माइनर कैलेक्स फिर मेजर कैलेक्स उसके बाद ये पेल्विस में आएगा और पेल्विस में आने के बाद यूरेटर और यूरेटर से होते हुए यूरेनरी ब्लेडर में जाता है तो ये आपका पूरा का पूरा एक नेफ्रॉन है जिसमें एक हेड मतलब कैप्सुलर एरिया है दूसरी टिब्यूल है जो आपके पास में कैप्सूल के प्रेजेंट है प्रोक्सिमल कॉन्ब्यूलेटेड टिब्यूल और दूसरा होता है आपका डिस्टिल कॉन्ब्यूलेटेड टिब्यूल और यह है कलेक्टिंग डक्ट अब होता क्या है कि ये जो आपके दोनों टिब्यूल है प्रोक्सिमल और डिस्टल ये जब बीचों बीच में होते हैं ना तो एक लूप का फॉर्मेशन कर देते हैं मतलब एक ऐसी माला सी बना देंगे प्रोक्सिमल आगे आगे नीचे की तरफ आएगा लेकिन फिर ऐसे घुमावदार चला जाता है तो जब ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है तो लूप है तो ऑब्वियस बात है लूप कहा जाएगा और किसका लूप है नेफ्रॉन का लूप है तो लूप ऑफ द नेफ्रॉन या तो लूप ऑफ द हेनले इसको कहा जाता है तो ये आपका लूप ऑफ आप द हेनले या तो लूप ऑफ द नेफ्रॉन कहलाता है जिसमें दो रीजन होते हैं एक तो असेंडिंग होता है डिसेंडिंग होता है जो डायग्राम में नहीं दिया गया है आगे चल के मैं उसको बता दूंगी तो ये एक ओवरव्यू डायग्राम है जिसमें पूरा का पूरा कैपिलरी नेटवर्क का मतलब एक एफरेंट है एक ईफ्रेंट है और आगे चल के इन्होंने बना लिया आपकी पेरी टिब्यूलर कैपेलरी और वहीं पर अगर आप टिब्यूल्स की बात करें तो प्रोक्सिमल होगा डिस्टिल होगा और बीच में ये ट्यूब लूप का फॉर्मेशन करा है तो उसका नाम पड़ गया लूप ऑफ द नेफ्रॉन ठीक तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने नेफ्रॉन के बारे में जाना बिल्कुल इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ए मतलब एफ्रॉन और ए मतलब मतलब एफरेंट और ए मतलब की आना तो कहां आना आपके पूरे के पूरी कैपिलरी में आना और ई e के लिए एग्जिट से याद रख लीजिए फिर एग्जिट मतलब बाहर जाना और बाहर जाना मतलब कि किसका इंट का बाहर जाना चलिए तो फंक्शंस की बात करें तो नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है रेगुलेट करता है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को और वेरियस सब्सटेंस को कौन से सबस्टेंस है आगे चल के पता चलेगा दूसरा काम है वाटर का रिएब्सॉर्बन करेगा वेस्ट का रिमूवल करेगा और आयन का एक्सचेंज करेगा अलोंग द टिब्यूल और नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फिल्टरेशन बैरियर की अगर आप बात करें तो इसमें आपकी एंडोथेलियल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स जो कुछ सेल होती है स्पेसिफिक सेल वो यहाँ प्रेजेंट होंगी तो ये आपका फिल्ट्रेशन बैरियर के बारे में जो नेफ्रॉन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है क्या है आगे बताऊंगी फंक्शन ये दोनों होंगे और ये आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का एक स्ट्रक्चर होता है बैरियर होता है इसमें तीन पार्ट होते हैं एक तो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स होता है क्या है आपको आगे चल के डिटेल में पता चलेगा तो ये तो हमने बात कर ली स्ट्रक्चर की अब जो मैंने आपको बताया उसी को थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है तो अगेन आप थोड़ा इसको रिवाइज कर लीजिए नेफ्रॉन क्या है फंडामेंटल या फंक्शनल यूनिट कहलाती है किडनी की रिस्पॉन्सिबल होती है फिल्टर करने के लिए ब्लड को और साथ ही साथ प्रोड्यूस करेगी यूरिन को। अगर आप ह्यूमन में हर तो एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं इसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो था नेफ्रॉन का जो हमने सबसे पहले सिर देखा था उसको कहा जाता है रीनल कार्पस्कल और ये जो रीनल कार्पस कल होता है इसमें दो मैन स्ट्रक्चर होते हैं एक तो ग्लोमेरुलस होता है और दूसरा होता है बोमेन कैप्सूल तो ग्लोमेरुलस क्या था कलेक्शन ऑफ कैपिलरी था जिसमें ईफ्रेंट और एफरेंट थी एफरेंट के थ्रू ब्लड अंदर की तरफ बाहर की तरफ जा रहा है वो बीच में जो आपको कैपिलरी दिख रहा था दैट इज कॉल्ड और जो कैपेलरी जिस आपके स्ट्रक्चर में थी एक बाउल टाइप स्ट्रक्चर था बोमेन कैप्सूल इसको कहा जाता था तो ये कैपेलरी उसी कैप्सूल के अंदर आराम से बैठी हुई रहती है और इन्ही दोनों स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली कहा जाता है रीनल कार्पस्कल ब्लड अगर हम फिल्टरेशन की बात करें क्योंकि इसी रीनल कार्पस कल में ब्लड का फिल्टरेशन होना है तो यहां पर तीन लेयर होंगी कौन कौन सी एक तो एंडोथिलियल सेल की लेयर होगी जो कि इसी ब्लड कैपिलरी में प्रेजेंट होती है एक होता है फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड होती है आपकी कुछ प्रोसेस्ड और ये फूड प्रोसेस्ड जो कि आपकी पोडोसाइट्स कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ और भी सेल यहाँ प्रेजेंट होती हैं जैसे एक है आपका मिजेंजियल सेल्स ये जो मिजेंजियल सेल्स होती हैं ये सपोर्ट होती हैं और ये सपोर्ट करती हैं कि पूरे के पूरे कैपिलरी रीजन को और जो फिल्ट्रेशन की रेट है उसको रेगुलेट करती हैं ये सारा आपको एक एक करके सब फंक्शन समझ में आएगा जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ये अभी एक ओवरव्यू है जो जो हमने नेफ्रॉन में पढ़ा फिर टिब्यूल एक तो आपका रीनल कारपसल था दूसरे हमने काफी सारे यहाँ टिब्यूल देखे थे तो टिब्यूल्स क्या था जो एक्सटेंड हुआ था आपके कैप्सूल से और आगे चल के ये काफी सारे सेगमेंट में डिवाइड हुआ था जैसे प्रोक्िमल टिब्यूल, लूप ऑफ फैललेट डिस्टल कॉन्बुलटेड टिब्यूल कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्ट कनेक्टिंग टिब्यूल और उसके बाद था कलेक्टिंग डक्ट तो ऐसे करके ये आपके पूरे के पूरे टिब्यूल है और रीनल कार्पस कल में आपका वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज आती हैं। बिल्कुल अभी आपको बताऊंगी कि फिल्टरेशन स्लिट जो है वो क्या है और वो कैसे बनता है तो पोडोसाइट्स अलग होती है फिल्टरेशन स्लिट अलग होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन अलग होती है कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं सारी अलग अलग चीजें हैं उनको अभी मैं आपको दिखाऊंगी जानने से पहले अब आप जब नेफ्रॉन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं हमने देख भी लिया कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट था फिर ये डायग्राम है जो दिखा रहा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन को और उसमें कैसे ब्लड सप्लाई होगी तो नेफ्रॉन जो है वो दो तरीके के किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है नाम से पता चल रहा है कि इसका जो मेजर रीजन है वो आपके कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है ये देखिए तो capsule तो कैप्सूल कॉर्टेक्स में है ही जब आप लूप ऑफ लूपले की बात करें ये जो आपका प्रोक्सिमल डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल और मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लूप ऑफ द हेनले ये भी आपका कहां पे प्रेजेंट है ये भी कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट है इसीलिए इसका नाम रखा गया है कॉर्टिकल नेफ्रॉन ठीक तो ये नेफ्रॉन क्या है आगे चल के मैंने इस इमेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है तो ये अपर इमेज है ठीक तो बिल्कुल बोई सेम स्ट्रक्चर है अगर आप देखें तो यहां पर सबसे पहले ये क्या होगा आपका ये है भाई बोमेन कैप्सूल कैप्सूल में ये कैपेलरी है कौन सी कैपेलरी होगी ग्लोमेरुलर कैपेलरी होगी तो बस वही चीज है रीनल कार्पस्कल के दो स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलर कैप्सूल और फिर ग्लोमेर जैसे ग्लोमेरुलर कैपेलरी कहा जाता है ऊपर का स्ट्रक्चर आपका रीनल कैप्सूल होगा फिर इफरेन्ट आर्टिंग दिया गया है यही कहीं पे एक एफरेंट आर्टिल भी है ये देखिए जो दूर की तरफ है डिस्टल कॉन्ब्यूलेटेड टिब्यूल कॉर्टिकल रेडिएटेड आर्टरीज क्योंकि जो कॉर्टिकल के पास में होगी जो सीधा आपकी एफरेंट से अटैच होती है जो एफरेंट आर्टियोल से अटैच होती है वो कौन सी आपकी आर्टरीज होती है वो होती है आपकी कॉर्टिकल रेडिएटेड आर्टरीज और यहीं पर एक और वेन प्रेजेंट होगी जो आगे चल के इफ्रेंट जब आपकी पेरी कैपिलरी बनाएगी उसके बाद यहाँ पे एक वेन से अटैच होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल रेडिएटेड वेन और ऐसे करके फिर आपकी आर्क्यूट आर्टरीज आएगी वेन आएगी फिर फर्दर आपका फाइनल रीनल रीनल वेन और रीनल के थ्रू ये बाहर की तरफ चला जाता है। तो बस ब्लड सप्लाई बिल्कुल प्रीवियस जैसा होगा अगर आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो स्ट्रक्चर पेरीटिब्यूलर कैपिलरी का नेटवर्क यहां ज्यादा होता है और जो आपका लूप फैलने वो मैक्सिमम कॉर्टिकल रीजन में है मेड्यूला के बेस तक ये पहुंचा एपेक्स तक ये नहीं पहुंचते हैं तो कॉर्टिकल नाम से ही पता है कि कॉर्टेक्स में ये ज्यादा से ज्यादा होगा नीचे का अगर आप थोड़ा और स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कलेक्टिंग डक्ट से कहा पेपिलरी डक्ट फिर ये आपका है रीनल पेपिला और फाइनली आपका माइनर कैलेक्स और फिर मेजर कैलेक्स से होते हुए पूरा आपका यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है तो यहां पर अगर आप देखें क्योंकि ये क्या था आपका प्रामिड का

फिर असेंडिंग लिम ऑफ द नेफ्रॉन लूप या लूप ऑफ द हेनले और फिर आएगा आपका डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल से आते आते ये कहा पहुंच जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में तो फ्लो अगर देखेंगे सिंपल है बोमेन कैप्सूल प्रोक्सिमल फिर डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले यहां पर थिन और थिक लूप की बात नहीं होती कॉर्टिकल में जब भी हम बात करें क्योंकि आपने डायग्राम में देखा कि जो आपका लूप ऑफ द हेनले है वो बहुत शॉर्ट है वो बहुत छोटा है तो छोटा होने की वजह से शॉर्ट होने की वजह से यहां थिन और थिक लूप ऑफ द हैंडले नहीं होता यहाँ पर सिंपल होगा आपका एक तो डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ द हैंडले और उसके बाद आ जाता है कॉम्ब्यूल लेकिन जब हम बात करते हैं जक्षा मेड्यूलरी की तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें प्रेजेंट होती है वो क्या है आपको आगे चल के पता चलेगा अब देखिए जो आपको बताया है वो ही थोड़ा सा मैंने लिख दिया है लैंग्वेज में तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब कि अगर आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो ये वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट नेफ्रॉन होता है जो किडनी में दो नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं उसका ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर आप इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये टोटल एट्टी से एट्टी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल नेफ्रॉन होता है लोकेशन देखें तो ये प्राइमरली कहाँ प्रेजेंट होगा आउटर कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी रीनल कार्पस्कल की बात करें तो यहां बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होगी रीनल ट्रिब्यूल यहां पे शॉर्ट होते हैं और एक्सटेंड होते हैं थ्रो द कॉर्टेक्स और केवल और केवल आउटर रीजन ऑफ द मेडुला मतलब जो बेस था वहां तक ही पहुंचेंगे बहुत अंदर तक ये नहीं जाते अगर आप इसके मेजर फंक्शन की बात करें तो का मेजर फंक्शन केवल में होता है और रीएब्जॉर्प्शन में ये यूरिन का फॉर्मेशन नहीं करता हो, करता है तो बहुत माइन्यूट करता है तो इसका जो मेजर फंक्शन है ये को करेगा, कुछ न्यूट्रिएंट को रीएब्जॉर्ब करेगा लेकिन यूरिन का फॉर्मेशन या यूरिन कांसेंट्रेट uh, करना यूरिन को वो इसके बस की बात नहीं है वो आपके जकसा मेड्यूलरी नेफ्रॉन करेंगे कोर्टिकल नेफ्रॉन का मेजर काम फिल्ट्रेशन और रीएब्सोर्न ऑफ द न्यूरॉन में होता है चलिए अब आपको पता चलेगा कि बासा रेक्टा जो है वो आपका कहां प्रेजेंट होगा अभी रुकिए कॉर्टिकल में जो है बासा रेक्टा नहीं वहां पर केवल और केवल पेरी टिब्यूलर कैपिलरी का नेटवर्क दिख रहा था अगर आप पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर देखें इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहां पर आपको नेटवर्क दिख रहा है और वो नेटवर्क क्या है आपकी पेरीटिब्यूलर कैपिलरी कोर्टिकल लेप्रॉन में कोई भी आपकी बेस रेक्टा जो है वो नहीं होती क्यों नहीं होती वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी तो ये क्या है पेरी टिब्यूलर कैपिलरी है पेरी मतलब कि जो आपके ऊपर की तरफ चारों तरफ फैली हुई है जो डीपेस्ट पार्ट में नहीं आई जो चारों तरफ है डेट इज कॉल्ड पेरी टिब्यूलर कैपिलरी और टिब्यूलर इसीलिए क्योंकि ट्यूब के चारों तरफ घिरी हुई है पेरी मतलब बाहर की तरफ है डीपेस्ट नहीं है ट्यूब ट्यूब टीव के चारों तरफ है सो नाम पड़ा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अब इसके बाद हम मेडुलरी की बात करें या जक्षा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो ये उसका गैर स्ट्रक्चर है अगर आप इसका देखें लूप ऑफ द हेनले और जो कैपिलरी आपको दिख रही होगी यहां पर जब आपने देखा ये लूप ऑफ द हेनले तो ये काफी लॉन्ग है और ये है, ये डीपेस्ट है कहां तक जा रहा है ये पूरा का पूरा रीजन तक जा रहा है किसके एपेक्स रीजन तक ये जो था उसके रीजन तक जा रहा है और इसकी जो कैपेलरी है वो भी आपकी लॉन्ग कैपेलरी यहां पर प्रेजेंट है ये जो कैपेलरी है ये भी आपकी कैसी लॉन्ग कैपेलरी यहां पर प्रेजेंट है कॉर्टिकल में कैपेलरी और लूप ऑफ द हेनले बिल्कुल आपके कॉर्टेक्स और थोड़ा जो बेस रीजन था मेड्यूला वहां तक आए थे लेकिन जक्सा मेड्यूलरी नाम से ही पता है कि ये पूरा का पूरा मेड्यूलर तक आने वाला है तो इस नेफ्रॉन में लूप ऑफ ऑफ द द कहां पे इंसर्टेड है डीपेस्ट पार्ट मेड्यूलर दैट इज एपेक्स रीजन तक और ये कैपलरी भी आपकी अब कैसी है लॉन्ग हो चुकी है तो जरा डायग्राम को देखिए थोड़ा सा लार्ज किया गया है वो ये स्ट्रक्चर है रीनल कैप्सूल होगा फिर आपका रीनल कार्पस कल होगा जिसमें क्या क्या है ग्लोमेरुलर है और साथ ही साथ कैप्सूल है जो की जो पास की और ये ट्रिब्यूलर कैपिलरी एक्सटेंड हो गई है ये जो पेरी टिब्यूलर कैपिलरी है ये अब केवल ट्रिब्यूल तक नहीं है ये लूप ऑफ पहुंच चुकी है बस ये लॉन्ग है इसीलिए इन कैपिलरी को हम कहेंगे वासा रेक्टा ठीक है तो बाकी सेम स्ट्रक्चर है इफरेंट आर्टियोल रहेगा इफरेंट होगा कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज रहेगा फिर आपका वेन रहेगा आर्क्यूरेट आर्टरीज आर्क्यूरेट वेन रहेगा और अगर आप लूप ऑफ द हैले की बात करें तो असेंडिंग तो रहना ही डिसेंडिंग लिम या डिसेंडिंग लूप ऑफ द हैले रहेगा लेकिन जब असेंडिंग की बात करेंगे जो कि आपका ये होता है तो ये जो असेंडिंग होता है इसमें आपका थिन भी होगा और थिक भी होगा तो थिक असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले और थिन असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले ये केवल और केवल मिलता है मेड्यूलरी के पास आगे चल के अगर आप उसी को थोड़ा सा और देखेंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा आपका जो कैपेलरी है वो कहां अपेक्स रीजन तक है और यहां पर ये जो है दैट इज थिन असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले पतला जो है ऊपर की तरफ आपका

तो ये होता है आपका मेड्यूलरी नेफ्रॉन तो जक्सा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर लॉन्ग होगा रीनल टिब्यूल जो टिब्यूल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और धसे हुए होते हैं इनसाइड द मेड्यूला ये केवल और केवल पंद्रह परसेंट पार्ट ऑफ द टोटल नेफ्रॉन होते हैं अगर आप लूप ऑफ द हेनेले की बात करें तो थिन पोर्शन होगा जो पासिस होता है डीप इनटू द रीनल पेपिली पेपिली मतलब रीज़न में था लेंथ होता है इसका 14 मिलीमीटर इन लेंथ एनाटोमिकल रिलेशन की अगर आप बात करें तो यहां पर रीनल कार्पस कल तो होगा जैसे कि हमने कॉर्टिकल में भी देखा था रीनल कार्पस कल में आप रीनल कल कॉर्टेक्स में होता है और टिब्यूल डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मेड्यूला में प्रेजेंट होंगे कैपेलरी की बात करें तो टिब्यूल के चारों तरफ कैपेलरी होती है लेकिन वो जो कैपेलरी है वो आगे चल के और डीपेस्ट बन गई तो उनका नाम पेरी टिब्यूलर कैपेलरी ना होके अब रेक्टा पर हो जाता है तो ये पूरा का पूरा काम क्या करेंगी नेफ्रॉन में रीएब्सॉर्बन करेंगी वॉटर का एंड सॉल्ट का फंक्शन की बात करें तो प्ले द क्रिटिकल रोल इन यूरिन कॉन्सेंट्रेशन तो यूरिन को जब कॉन्सेंट्रेट करना है तब जाके ये काम करेगा इसीलिए यही रीजन है कि बचपन से हमने जो नेफ्रॉन पढ़ा है वो कौन सा नेफ्रॉन था जक्सा मेड्यूलरी नेफ्रॉन क्योंकि हम किडनी एक्सक्रीशन के बारे में सॉरी यूरिन एक्सक्रीशन के बारे में हमेशा पढ़ते थे तो हमने कॉर्टिकल के बारे में कम पढ़ा या पढ़ा ही नहीं हमने जो जो पढ़ा ये थिन असेंडिंग लूप ऑफ द हैंडले थिक असेंडिंग लूप ऑफ द ये पूरा का पूरा आपका जक्सा मेड्यूलरी की आपने फिजियोलॉजी पढ़ी है ठीक लेकिन दो तरीके के होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया साथ ही साथ दूसरा फंक्शन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन द न्यूरोन मतलब एक्स्ट्रा और इंट्रा सेल्यूलर कैपिलरी जो है वहां पर चारों तरफ घिरी हुई रहती है लूप ऑफ डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मेड्यूला को कहा जाता है बासारेक्टा तो अब समझ में आया कि कॉर्टिकल में बासा रेक्टा क्यों नहीं था केवल और केवल मेड्यूलरी नेफ्रॉन में होता है क्योंकि बासा रेक्टा मतलब कि लॉन्गेस्ट कैपिलरी की वहां पर बात हो रही है ठीक तो ये होता है आपका क्या बासा रेक्टा तो बासा रेक्टा मतलब कि लॉन्ग एक ऐसी कैपिलरी है जो पूरी की पूरी मेड्यूला तक पहुंची है वहीं पर पेरी ट्रिब्यूलर कैपेलरी जो कि टिब्यूल के चारों तरफ थी वहां छोटा सा था आपका टिब्यूल तो इसीलिए उसका नाम पड़ा पेरी टिब्यूलर कैपलरी ये जो कैपेलरी है रिकवर करती है सोल्यूट को वाटर को और रिटर्न कर देती हैं अगर कोई सोल्यूट यूजफुल है वाटर सोल्यूट है तो यहां पर पूरा का पूरा क्या होगा कि ये सर्कुलेशन में उसको क्या कर देंगी रिटर्न कर देंगी बस यही रीजन है कि जो जक्सा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट द किडनी क्योंकि ये इनका काम केवल और केवल आपके फिल्टरेशन रि में नहीं लेकिन यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में भी है क्लिनिकल को की या कोरिलेट्स की बात करें तो इन्हीं नेफ्रॉन में अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज हो जाए तो जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी ग्लोमेरुलर नेफ्रेटाइटिस और एक्यूट नेक्रोसिस हो जाती है तो ये है आपके जक्सा मेड्यूलरी नेफ्रॉन ठीक तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है अगर सीएसआईआर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए हमेशा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पूछा है कि जक्सा मेड्यूलरी का क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कॉर्टिकल का काम केवल और केवल रीएब्जॉर्प्शन में है न्यूट्रिएंट के रीएब्जॉर्प्शन में और सिक्रेशन में फिल्ट्रेशन में लेकिन अगर आप बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन यूरिन कॉन्सेंट्रेशन का तो यूरिन कॉन्सेंट्रेशन का पूरा जिम्मा है आपके जक्सा मेड्यूलरी में तो अगर आपसे दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछा जाए तो कंपैरिजन एक तो आपकी पेरी टिब्यूलर कैपेलरी का है स्ट्रक्चर का है जो जक्सा मेड्यूलरी होते हैं वो काफी लॉन्ग होते हैं मेड्यूलर तक आते हैं और वहीं पर कॉर्टिकल पार्ट में जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इस कॉर्टिकल इसके अलावा बासा रेक्टा है लूप ऑफ द हेनले ये काफी बड़े बड़े डिफरेंसेज हैं जो दोनों नेफ्रोन को एकदम सेपरेट करते हैं चलिए अब इसको जरा ये दोनों नेफ्रॉन दिए गए हैं आपके लिए पुरानी ही इमेज है बस इसको कैसा है ये एक ऐसी इमेज है जिसमें क्या किया गया है पूरा का पूरा आपका एक तरीके का डायग्राम दिखाया गया है दोनों नेफ्रॉन का अब ये जो नेफ्रोन होते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि से से तो 1.5 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में प्रेजेंट है तो जरा आप मुझे बताइए कि कॉर्टिकल जो है वो ज्यादा क्यों है और जो आपकी मेड्यूलरी है वो पंद्रह परसेंट है फिफ्टीन परसेंट है इतने कम है तो क्यों है ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है क्योंकि दोनों का फंक्शन मैंने आपको बता दिया तो एक ज्यादा है एक कम है ऐसा क्यों हुआ तब तक मैं आपको डिफरेंसेस रिवाइज करा देती हूं और इसे सोच के जरा एक बार मुझे बताइए अच्छा चलो पहले बता दो इसके बाद इसको रिवाइज करते हैं चलिए तो मैं ही अब बता देती हूं इनका नंबर इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि किडनी का मेजर फंक्शन क्या है फ़िल्ट्रेशन करना और आपको खुद पता है कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगी किडनी जो है एक मिनट में तना आपका फिल्टरेशन करती है या फिर अगर आप ये कहें कि ब्लड वॉल्यूम जब हमने पूरा का पूरा कार्डियक आउटपुट देखा था तो एक मिनट में पांच लीटर ब्लड जो है वो पूरा का पूरा फ्लो आउट होता है तो किडनी में भी आपका ब्लड आ रहा होगा तो ज्यादा काम क्या है ज्यादा काम फिल्टरेशन का है उसके बाद अगर आप एक्सक्रीशन की बात करें तो एक मिनट में वन ट्वेंटी एक्सक्रीशन ही होता है तो जब आप फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है वहीं पर जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम होता है ऐसा तो है ना कि पांच लीटर अगर हो रहा है तो आप पांच लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं तो ज्यादा काम किसका है ज्यादा काम इन कोर्टिकल का है भाई इसीलिए इनका कॉन्सेंट्रेशन भी किडनी में ज्यादा है और इसका काम यूरिन को केवल और केवल कॉन्सेंट्रेट करना है और यूरिन को जब ये कॉन्सेंट्रेट करके एक्सक्रीट करता है तो बहुत कम क्वांटिटी में करता है कंपेयर टू ब्लड फ्लो तो इसीलिए ये पंद्रह परसेंट है उतने में ही काम चल जाएगा लेकिन फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होना है इसीलिए इनका नंबर ज्यादा होता है चलिए नहीं नहीं लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दू भाई की मेड्यूलरी का एक ही काम बस केवल और केवल टाइम ने इसके पास, है। time, इसके पास भी तो है, तो ये करेगा ऐसा नहीं कि यहां फिल्टरेशन होगा नहीं तो फिल्टरेशन होगा लेकिन मेजर रीजन या मेन रीजन इनकी पॉपुलेशन को कम ज्यादा रखने का बस यही है कि फिल्टरेशन ज्यादा होता है एक्सक्रीशन कम होता है इसीलिए ये जो है आपके ये एक्सक्रीशन में ज्यादा रोल प्ले करते हैं और ये फिल्टरेशन भी करेंगे मेजर काम एक्सक्रीशन में है इसीलिए ये कम इन नंबर होते हैं चलिए भाई तो आगे अगर आप देखें तो रिवीजन है आपका अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखें तो सेम होता है जो आपका कार्पस कल होता है वो सेम होगा रीनल कार्पस कल डिफरेंसेज आपके कहा होंगे यहां पर डिफरेंसेस होंगे तो अगर आप देखें लूप ऑफ द है तो यहां पर तो असेंडिंग थिक और थिन जैसा कोई नहीं केवल एक असेंडिंग होगा एक डिसेंडिंग होगा और यहां पर अगर आप देखें तो लूप ऑफ द हैले लॉन्ग है और नीचे तक की तरफ इंसर्ड है और असेंडिंग में दो होंगे थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट वहीं पर अगर हम कैपिलरी की बात करें सो दैट इज वासा जो कि आपकी लॉन्ग कैपिलरी मिलती है और यहाँ केवलर कैपिलरी प्रेजेंट होती है फिर इसके बाद अगर आप और दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें जैसे रीनल कैप्सूल आर्टरीज, वेन की तो वो सिमिलर रहता है मेजर फंक्शन लूप ऑफ डिफरेंसेस हैं लूप ऑफ रेक्टा का होता है तो ये अब आपके पास वेदमी कैप्सूल है जो जो चीजें हमने पढ़ी उसको मैंने पूरा का पूरा एक डिवीज़न के फॉर्म में लिख दिया है तो आपको बहुत आसानी होगी दोनों के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में जानने में सबसे पहले लूप ऑफ द कार्टिकल या कॉर्टिकल नेफ्रॉन में शॉर्ट होता है और ये आउटर सरफेस ऑफ द मेड्यूलर तक ही होता है मतलब बेस रीजन तक मेड्यूलरी की बात करें तो ये एक्सटेंड होता है डीप टू द दूला मतलब कि ये आपकी पेपिला तक होता है रीजन तक ये प्रेजेंट होगा लोकेशन की बात करें ये मोस्टली इन द किडनी कॉर्टेक्स ये एक्सटेंड होता है इन टू द मेड्यूला फंक्शंस की बात करें तो फिल्टरेशन ऑफ द ब्लड एंड री ऑफ द न्यूट्रिएंट ये आपका कॉन्सेंट्रेटिंग करता है मेन फंक्शन है ये यूरिन में और मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को रेक्टा की अगर आप बात करें तो यहां पर रेक्टा तो नहीं लेकिन हाँ टिब्यूलर कैपेलरीज होती है अराउंड लूप ऑफ द हेनले और यहां पर लॉन्ग बासा रेक्टा होती है जो एक्सटेंड होती है धसी हुई रहती है कहां तक मेड्यूला तक अगर आप ऑस्मुलरिटी ग्रेडियंट की बात करें तो यहां पर लेस अपेरेंस होता है और यहां पर चूंकि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वॉटर बैलेंस तो यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑसमिटी ग्रेडियंट फॉर द इफेक्टिव यूरिन कॉन्सेंट्रेशन फाइनल रोल ऑफ द यूरिन कॉन्सेंट्रेशन तो ये लिमिटेड रोल है रोल होता है ऐसा नहीं कि आपके जो कॉर्टिकल है वो बिल्कुल ही यूरिन को कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे डेफिनेटली करेंगे लेकिन बहुत लिमिटेड करेंगे और यहाँ का प्राइमरी काम ही है कॉन्सेंट्रेट करना यूरिन को तो इस एक टेबल में आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा